यहां मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यकायक या अचानक धर्म परिवर्तन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से पहले वर्षों पहले तो उन्होंने ये कहा था, खासतौर से हिंदू धर्म में रहकर जो उनको कदम कदम पर अपमान सहना पड़ा और अपने लोगों को भी अपमान सहते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने वर्षों पहले धर्म परिवर्तन करने से पहले वर्षों पहले ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वर्षों पहले ये बात कही थी, और जब ये बात कही थी यदि उसी समय वो धर्म परिवर्तन करते तो बहुत कम लोग उनके साथ बुद्धिस्ट बनते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो वर्षों पहले ये बात जरूर कही थी, लेकिन लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया, लोगों को जागरूक किया और उनके मान और सम्मान के बारे में उनको बताया। और जब उनको लगा, जब उनको ये महसूस हुआ, और खास तौर से जब उनको ये लगा, उन्होंने बहुत संघर्ष किया आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपने जीते जी, लेकिन जब धीरे धीरे उनका जो स्वास्थ्य गिरने लगा था, खराब होने लगा था, तो फिर बाबा साहब ने महसूस किया कि अब मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, जो लोग भी जागरूक हो चुके हैं तो उनको साथ में लेकर मुझे धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। अपने ध्यान से कुछ समय पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। और अब आप लोग इस मामले में मेरे बारे में भी जरूर सोचते होंगे। अब आप लोग